और यहाँ पर MLAs के बीच हाथापाई भी देखने को मिली, जिसके बाद स्पीकर के आर्डर पर बीजेपी के कुछ MLAs को असेंबली सेशन से बाहर निकाल दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के MLAs को घसीट कर बाहर निकाला जा रहा है, जिसमें RS पठानिया की बात करें या विक्रम रंधावा की बात करें, बलवंत सिंह मनकोटिया की बात करें, इन्हें असेंबली हाउस से जो है वो बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो है वो दूसरे MLAs के साथ हाथापाई शुरू कर दिया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के और बाकी के MLAs के बीच हाथापाई देखने को मिल रही है, क्योंकि PDP ने आज एक फ्रेश रेजोल्यूशन लाई। इस रेजोल्यूशन में रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A की बात की गई, और उसके बाद यहां पर बीजेपी के कुछ MLAs बदसलूकी पर उतर आए, जिसके नतीजे में इन्हें असेंबली हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि शेख खुर्शीद, जो अवामी इतिहाद पार्टी से हैं, इन्होंने हाथों में एक बैनर लिया है जिस पर रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A की बात की गई है, और साथ ही साथ यहां पर रिलीज आवर प्रिजनर्स की बात की गई है, जिसके बाद बीजेपी के लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने फौरी तौर पर यहां पर हंगामा शुरू कर दिया, क्योंकि कल जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक रेजोल्यूशन लाई गई थी, उसी वक्त भी बीजेपी के MLAs ने यहां पर एहतजाज शुरू कर दिया था, और आज फिर से ऐसा ही देखने को मिला, जिसके नतीजे में बीजेपी के कुछ MLAs को होश से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शेख खुर्शीद, वी डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, और इसके फौरी तौर बाद यहां पर बीजेपी के MLA विक्रम रंधावा आ पहुंचते हैं और वो हाथापाई पर उतर आते हैं। ये हाथापाई इस कदर बढ़ गई कि स्पीकर को यह ऑर्डर देना पड़ा कि आप कुछ MLAs को होश से बाहर निकाल दीजिए। ये देखें आप तस्वीरें सामने, विक्रम रंधावा एकदम जोश व खरोश के साथ यहाँ पर शेख खुर्शीद के साथ जो है वो हाथापाई के लिए आ गए हैं, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद यहाँ से विक्रम रंधावा को भी होश से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। RS पठानिया को यहाँ से होश से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि इस तरह की हरकतें असेंबली होश में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा है कि ये असेंबली नहीं बल्कि कोई जंग का मैदान है, जहाँ पर दो पार्टीज के MLAs जो है वो जंग लड़ने आए हैं। कुछ MLAs जो है बड़ी खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, वो सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ MLAs जो है वो एकदम से हाथापाई पर उतर आ रहे हैं। ये देखें, युधवीर सेठी की बात करें या फिर विक्रम रंधावा की बात करें, इसके अलावा RS पठानिया की बात करें या बाकी के कुछ बीजेपी के MLAs की बात करें, ये जो है एकदम टेबल्स पर चढ़कर एकदम जो है दूसरे MLAs के साथ जो है वो हाथापाई पर उतर आए, जिसके बाद स्पीकर ने आर्डर दे दिया कि आप फौरी तौर पर इन MLAs को होश से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, और बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला भी। हालांकि इस तरह ये होना नहीं चाहिए था। PDP की बात करें, वहीद पर्रा की बात करें या फिर सजाद गनी लोन की बात करें या PDP के जो बाकी के दो MLAs हैं उनकी बात करें, उन्होंने आज ये रेजोल्यूशन लाई थी, जिसमें ये कहा था कि कल की जो रेजोल्यूशन थी वो NC का जो है बीजेपी के साथ फिक्स मैच था, उसमें आर्टिकल 370 और 35A की बात नहीं की गई थी, और इसीलिए आज जो है PDP ने फ्रेश रेजोल्यूशन लाई। और आप देखें तस्वीरों में कि किस तरह से बड़ा हंगामा आज जो है वो असेंबली सेशन के दौरान देखने को मिला, लेकिन आपको बता दें कि आज बीजेपी के कुछ MLAs को यहां से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। कल भी इसी तरह का हंगामा और एहतजाज हमें देखने को मिला था, आज भी इसी तरह की तस्वीरें असेंबली सेशन के दौरान जो है वो सामने आई, और आज बीजेपी के कुछ MLAs को असेंबली हाउस से जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि ये बदसलूकी पर उतर आए थे।